मैडम पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल पद्मश्री से पुरस्कृत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के रूप में बाल शल्य विभाग में काम करती हूँ। इसके अलावा मैं पहले की भूतपूर्व वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और भूतपूर्व प्रेसिडेंट नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एकेडमिक बॉडी है मेडिकल साइंसेज की, उसकी प्रेसिडेंट भी रही हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की कभी डीन भी थी और उसके हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी थी। आज की तारीख में मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने सौभाग्य दिया है कि मैं लाइफ लॉन्ग अपने सेवा करती दे सकूं उस संस्थान में एज डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर। मैडम एक लंबा समय आपने बिताया है, एकेडमिक आपका करियर है और उसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी आपने एक लंबा समय बिताया है और इस लंबे समय में आपने काशी को शुरू से और आज तक देखा है, तो पहले की काशी और आज की काशी में कितना बदलाव आप महसूस करती हैं? वैसे तो मैं काशी में 1973 के दिसंबर के आखिरी दिन ज्वाइन की थी और काशी एक तरह से ऐसे लगता था जैसे स्थिर जगह है। 73 से लेके विश्वास करिए कि कम 2010 या 11 तक कोई ज़्यादा परिवर्तन दिखाई ही नहीं देता था। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत पेरीफेरी पे काशी में डेवलपमेंट था भी, तब भी लोग उन जगह पे मूव ही नहीं करते थे। सड़कें बेहिसाब गड्ढेदार और बहुत छोटी छोटी होती थी। कभी किसी ने मुझसे पूछा कि आप काशी के बारे में क्या कहेंगी, तो मैंने कहा आपकी क्या ओपिनियन है। मैंने कहा आप आंख बंद करके अपनी बढ़िया सी गाड़ी में चलें और जब आपको लगे कि आपकी कार बैलगाड़ी जैसी आवाज़ दे रही है तो समझ जाइए आप काशी पहुंच चुके हैं। ये स्थिति थी, भीड़ें बहुत हर जगह पे, सड़कें बहुत छोटी और गड्ढेदार और शहर में ज़्यादातर गंदगी चारों तरफ और पान थूकते लोग। आज मैं देखती हूँ काशी में वाकई में बहुत डेवलपमेंट हुआ है और ये डेवलपमेंट 2014 के बाद और 2019 से तो और भी तेज़ी से बढ़ा है, 2017 से, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा संभव इसलिए भी हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे सौभाग्य से यहाँ पर वो एमपी बने यहाँ से और देश के प्रधानमंत्री बने और योगी जी जैसे सक्षम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने, दोनों की सिनर्जी इतनी अच्छी रही कि डेवलपमेंट दिखाई देता है और बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। मैं तो 100 साल और चले तो इस प्रदेश का बहुत ही बढ़िया भाग्य होगा और इसकी जनता का भी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, ये देश और ये प्रदेश बहुत अच्छी तरक्की करेगा, ये मेरा अपना सोचना है। मैडम चिकित्सा के क्षेत्र में क्या बदलाव देती है पहले से? हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार किसी मीटिंग में थे हम लोग जहाँ पे कि गुजरात में बच्चों के बड़े से बड़े ऑपरेशन सबके सब फ्री में हो रहे थे और हमारे ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ देखा गया है कि अक्सर गरीब लोगों में ज़्यादा होती हैं और उनके इतने बड़े बड़े ऑपरेशन और इतने बड़े कैंसर के इलाज सब फ्री में हो रहे थे। तो मैंने पूछा भाई ये कैसे है? उन्हें हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अच्छी हो गई हैं। तो उस दिन था, हमने सोचा कि ऐसा चीफ मिनिस्टर इस देश का क्यों नहीं भला कर सकता है, जाहिर है कि उस स्टेट में रहेंगे तो स्टेट का ही भला कर पाएंगे। बहुत खुशी हुई 2014 में ये जाना कि वही चीफ मिनिस्टर आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया है और उनके आने के बाद में बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हुई और ख़ास करके जो आयुष्मान भारत उन्होंने किया है ये तो कमाल की इनकी स्कीम है। इससे तो गरीब से गरीब आदमी भी आज किसी भी अच्छे नर्सिंग होम में भी इलाज करा सकता है अगर उसको वहाँ इमरजेंसी में जाना पड़े तो। बाकी सरकारी अस्पताल तो सेवा करने के लिए हैं ही, तो ये डॉक्टर जितनी भी मैं तारीफ करूँ अपने प्रधानमंत्री जी की और अपने
चीफ मिनिस्टर साहब की भी योगी जी का, इन दोनों का योगदान बहुत अच्छा रहा है स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़िया बनाने में। और अब तो देश में कीर्तिमान है, जिस तरह से कोरोना को वेव सेकेंड वेव को हमारे योगी जी ने इसको संभाला और वैक्सीनेशन का जो बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, इसमें तो सारा संसार लोहा मानता है, बहुत ही बड़ा काम किया है। और है उनके लिए हम सादर नमन करना चाहते हैं और तहे दिल से जनता के रूप में मैं उनको तहे दिल से ये प्रार्थना भी ईश्वर से करती रहूँगी कि ऐसा यशस्वी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को मिला है, इनकी सेवाएं दीर्घ काल तक हमारे देशवासी ले सके, ऐसी उनको हर एक को प्रेरणा मन में आए। मैडम कल एक रिपोर्ट हम लोग हैं जो मतलब जहाँ पे काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों का गढ़ माना जाता है BHU, और BHU के लोग वोटिंग में काफ़ी पीछे हैं, BHU के प्रोफेसर्स और बड़े लोग, तो ऐसे लोगों मतलब अगर एक अच्छी सरकार चुननी है तो कम से कम ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और इसके लिए जन जागरूकता भी फैलानी चाहिए। तो अभी जो 7 मार्च को वाराणसी में वोटिंग होनी है, इसको लेके आप क्या अपील करती हैं ऐसे लोगों से, ऐसे बुद्धिजीवियों से कि वो आगे आएँ और लोगों को जागरूक भी करें और खुद भी वोटिंग करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो आत्म संयमित हों, अपनी आत्मा को जगाएं और अपना फर्ज पूरा करें। ये बहुत बड़ा अपराध है कि आप प्रबुद्ध नागरिक होकर अपना फर्ज पूरा ना करें। फर्ज वोट देना तो एक तरह से हमारा फर्ज है, और इस ये फर्ज, ये अधिकार कितनी मुश्किल से मिला है, हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और सही सरकार तभी बन सकती है जब हम सही व्यक्ति को वोट दें, तो बहुत ज़रूरत है। हम लोग देखा है कि जितने प्रबुद्ध जीवी हैं, ये बाल में से खाल इतनी बढ़िया से तरह से निकालते रहेंगे, घंटों तक बहस करते रहेंगे, लेकिन ड्राइंग रूम में करते रहेंगे, उठ के मतदान केंद्र तक नहीं जाएंगे। जब वो खुद ही नहीं जाएंगे तो उनके घर के परिवार के लोग भी नहीं जाएंगे कैसे, और जब परिवार के लोग नहीं जाएंगे तो अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं सोचेंगे कि वो साहब नहीं गए तो हम क्यों जाएं। ये हमारा फ़र्ज़ है और मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस बात को याद करें कि मतदान देना न केवल खाली राजनीति के लिए ज़रूरी है या सरकार के लिए ज़रूरी है, मतदान देना तो आत्मिक फ़र्ज़ है, उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है। खुद ज़रूर जाएं, दूसरों को भी ज़रूर प्रेरित करें और सही लोगों को चुनें।